हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है ऋतिक, आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो मैं आज आप लोग के स्टूडियो में बताने वाला हूँ ओप्पो की एक न्यू थीम के बारे में, जिसका नाम है iOS 11 क्लीन थीम। क्या रहते हैं इसके फीचर, किस टाइप से डाउनलोड करते हैं, मैं आप लोग के स्टूडियो में बताने वाला हूँ। और यार, थीम डाउनलोड करने के लिए जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो आप लोग थीम डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड के बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यार, बगल में बैक करना ना भूले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भूले, शेयर करना भी ना भूले। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो सबसे पहले मैं आप लोग यहाँ पे फीचर्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग बात करेंगे यहाँ पर नेटवर्क आइकन की, तो कुछ इस टाइप के यहाँ पे आप लोग को नेटवर्क आइकन दिखने वाला है। उसके बाद बैटरी आइकन भी पूरा फुल चेंज मिल जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन आइकन यहाँ पे आप लोग को पूरे चेंज मिल जाता है। उसके बाद वॉलपेपर भी आप लोग कुछ इस टाइप यहाँ पे देखने वाला है। एंड आप लोग कुछ एप्लीकेशन बता दो जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, तो कुछ इस टाइप के यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन दिख जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी लगी मुझे। उसके बाद मैं आप लोग को फ़ोन के आइकॉन दिखा दूँ, तो फोन में आप लोग यहाँ पे कीपैड चेंज मिलता है और सिम आइकॉन यहाँ पे आप लोग को चेंजेस मिल जाते हैं। उसके बाद मैं आप लोग यहाँ पे फाइल मैनेजर दिखा दूँ, तो फाइल मैनेजर कुछ इस टाइप के यहाँ पे आप लोग को दिखने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फाइल मैनेजर हमारा इस टाइप का दिखने वाला है, और यहाँ पे आप लोग को पूरे फुल आइकॉन यहाँ पे चेंजेस मिल जाते हैं। उसके बाद मैं आप लोग यहाँ पे दिखा दूँ सेटिंग, तो यहाँ पे मैं आप लोग को कंट्रोल पैनल दिखा दूँ। उससे पहले तो यहाँ पे आप लोग कंट्रोल पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो इस टाइप के यहाँ पे आप लोग कंट्रोल पैनल देखने को मिल जाता है। उसके बाद मैं बात करूँगा सेटिंग की यहाँ पे, तो आप लोग को दिखा दूँ सेटिंग इसकी। तो आप लोग के यहाँ पे सेटिंग कुछ इस टाइप के यहाँ पे देखने वाला है, जिसमें आप लोग को पूरे आइकॉन चेंज मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। उसके बाद मैं आप लोग के यहाँ पे स्टेटस बार दिखा दूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा हट के यहाँ पे स्टेटस बार आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टेटस बार हमारा जो है काफ़ी अलग टाइप का है। तो ये आप लोग को iOS 11 क्लीन थीम में इस टाइप का स्टेटस बार दिख जाएगा, जो कि आप लोग ने अभी तक इस टाइप का स्टेटस बार नहीं देखा। जो कि उसमें आप लोग को जो है आप लोग सोच रहे हैं कि हमारा स्टेटस बार कहाँ से आएगा, तो हमारा जो स्टेटस बार है वो कंट्रोल पैनल में आप लोग को पूरे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये हो गई बात हमारे फीचर्स के बारे में। तो इस टाइप का आप लोग पूरे फोन का जो सेटअप रहता है वो चेंज होता है iOS 11 क्लीन में, ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट के, आप किस टाइप से इस थीम को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग जो है एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ से जो है आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा इसका, और उसके बाद मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे क्या क्या जो है प्रोसेस यहाँ पे फॉलो कर लेना है। तो चलिए मैं एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, तो कुछ स्टेप के यहाँ पे इंटरफेस नजर जाएगा। इन आप लोग ग्रीन अक्षरों में नीचे देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक 18, तो आप लोग को फर्स्ट जो एड्स होता है, पहला जो एड्स होता है इस पर आप लोग क्लिक करना पड़ता है एंड 20 सेकंड तक वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट एड्स हो चुका है, मैं उस पर क्लिक करूँगा और 20 सेकंड तक वेट करूँगा एंड ऑटोमेटिकली मेरा नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा 20 सेकंड के बाद। वहाँ से आप लोग जो है थीम की फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, तो मैं अभी आप लोग को बता दूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन होता है। अब मैं यहाँ से जो मैं थीम की फाइल डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं ओप्पो का A37 यूज़ करूँ, तो मुझे कोड लगेगा V800, मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ से जो मैं थीम की फाइल डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है ना। और अगर आप लोग को अपने मॉडल के हिसाब से कोड नहीं पता है, तो मैं आप लोग कोड वहाँ से आप लोग जो है पता कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग जो है थीम की फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद मैं इसे अप्लाई करके बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग अप्लाई करते नहीं आता, ठीक है ना। तो अप्लाई करने के लिए आप लोग को जाना पड़ेगा अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर पे। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप लोग फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे, उसके बाद आल फाइल वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग जो है डाउनलोड वाले ऑप्शन पे चले जाइएगा, जहाँ पे आप लोगों ने जो है थीम की फाइल डाउनलोड किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट में जाती है iOS क्लीन थीम, तो इस पर मैं क्लिक करूँ, यहाँ से डायरेक्टली इसे अप्लाई मैं कर दूंगा, तो ठीक है ना। यहाँ से आप लोग जैसे अप्लाई कर लीजिएगा, और आप लोग की थीम जो है थीम स्टोर पर भी आ चुकी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी डाउट हो कमेंट करना बोले, मैं उस पर वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, देने के लिए जय माता दी।